Hello guys, welcome to my YouTube channel Kenstream. Today we're gonna discuss about palindrome, ambigram and pangram. So the first topic is palindrome. A palindrome is a word, number, phrase or other sequence of characters which reads the same backward as forward. Palindrome शब्द, संख्या, वाक्य या वर्णों का एक अनुक्रम है जिसे प्रारंभ और अंत दोनों ओर से समान रूप से पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि पैलिंड्रोम वे शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं जिन्हें आप बाएं से दाएं पढ़ें या दाएं से बाएं पढ़ें, इसका अर्थ नहीं बदलता। Let's see some examples. We have examples of palindromic words. As you can see, mom, dad, I, and many others. यहाँ mom का spelling है M-O-M. इसे आप बाएं से दाएं पढ़ें या दाएं से बाएं पढ़ें। Spelling आपका होगा M-O-M और इसका अर्थ भी नहीं बदलेगा। वहीं पे आप दूसरे शब्द को देखिए D-A-D, dad, इसको भी आप बाएं से दाएं पढ़ें या दाएं से बाएं पढ़ें, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वहीं पे तीसरा वर्ड है I-E-Y-E, इसे आप बाएं से दाएं पढ़ें या दाएं से बाएं पढ़ें, स्पेलिंग बिल्कुल वैसा ही होगा E-Y-E, और इनके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे शब्दों को हम पैलिंड्रोमिक वर्ड्स कहते हैं। हिंदी में हम इन्हें विलोम पद भी कहते हैं। देयर आर ऑल्सो न्यूमरिक पैलिंड्रोम्स, पर्टिकुलरली डेट और टाइम यूजिंग शॉर्ट डिजिट्स एंड लॉन्ग डिजिट्स। पैलिंड्रोम संख्यात्मक भी होते हैं, विशेषकर समय और तारीख जैसे, जिनमें छोटे या लंबे अंकों का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए आप इस डेट को देखिए 11-11-11। आप इसको बाएं से दाएं पढ़ें या दाएं से बाएं पढ़ें, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वहीं आप टाइम को देख लीजिए 11:11, आप इसको बाएं से दाएं पढ़िए या दाएं से बाएं पढ़िए, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वहीं आप एक वर्ष को देख लीजिए 1991, इसमें आपके डिजिट्स हैं 1991, आप इसको बाएं से दाएं पढ़िए या दाएं से बाएं पढ़िए 1991। अब आखिर में देखते हैं 2-2-2020, इसको आप बाएं से दाएं पढ़ें या दाएं से बाएं पढ़ें, इसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। We have some more examples of palindrome. As you can see the phrase, first, no lemon, no melon. इसको आप बाएं से दाएं पढ़ के देखिए और एक बार दाएं से बाएं पढ़कर देखिए, स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहेंगे। वहीं पे दूसरा एग्जांपल देखिए, was it a cat I saw? इसे भी आप बाएं से दाएं पढ़ के देखिए और दाएं से बाएं पढ़ कर देखिए। My Zim, थर्ड एग्जांपल है My Zim। वहीं पे फोर्थ है मैडम, I am Adam। फिफ्थ एग्जांपल इज डोंट नोट, इसका मतलब है सिर मत हिलाओ। आप इसको बाएं से दाएं पढ़कर देखिए और दाएं से बाएं पढ़कर देखिए, इनके अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्बीग्राम। एन एम्बीग्राम इज अ वर्ड, आर्ट फॉर्म और अदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दैट कैन बी रीड एंड व्यूड इन मोर देन वन डायरेक्शन और अपसाइड डाउन। एम्बीग्राम ऐसे शब्द, कला के रूप या अन्य प्रतीकात्मक चिन्ह होते हैं जिन्हें
अलग दिशाओं या परिप्रेक्ष्य से देखने पर भी एक जैसे नजर आते हैं। इसे आप उल्टा देखें या सीधा, ये बिल्कुल एक जैसे ही नजर आते हैं। Some examples are here: non, swims, dollop, suns. ये कुछ ऐसे examples हैं जिन्हें आप सीधे देखें या उल्टे। मेरे कहने का मतलब है, अभी आप देख पा रहे हैं N O N, non, और S W I M S, swims. अब आप एक काम कीजिए, अपने मोबाइल को उल्टा कर लीजिए। जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन को उल्टा करते हैं, आप फिर भी पाएंगे कि नॉन आपको नॉन लिखा हुआ ही मिलेगा और स्विम्स आपको स्विम्स लिखा हुआ ही मिलेगा। वैसे ही डॉलप, इसको आप देख लीजिए, आप मोबाइल उल्टा रखें या सीधा, दोनों ही स्थिति में आप इसे डॉलप ही पढ़ेंगे। वहीं पे सन्स, सन्स को भी आप गौर कीजिएगा, सन्स को आप मोबाइल आप उल्टा करें या सीधा करें, दोनों स्थितियों में आप इनको सन्स ही पढ़ेंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जैसे कि पहला है एम्बिग्राम। सेकंड वर्ड को देखिए, फिलोसफी, और तीसरा है वुमन। ये भी एम्बिग्राम या कैलीग्राफी का एक नमूना है। अब आप अपने मोबाइल को उल्टा करके देख सकते हैं, आप सीधे देखें या उल्टे देखें, दोनों ही स्थितियों में आप इसे एम्बिग्राम, फिलॉसफी और वुमन ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि एम्बिग्राम किसे कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैंग्राम। चलिए समझते हैं पैंग्राम क्या है। अ पैंग्राम इज अ सेंटेंस यूजिंग एवरी लेटर ऑफ अ गिवन अल्फाबेट एट लीस्ट वन। पैंग्राम ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी 26 अक्षर कम से कम एक बार प्रयोग जरूर किए जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पैंग्राम में जो भी सेंटेंस बनाए जाते हैं उसमें इंग्लिश अल्फाबेट के ए से लेकर के जेड तक के सभी लेटर्स कम से कम एक बार प्रयोग जरूर किए जाते हैं। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, पैक माई बॉक्स विद 5 dozen लिक्विड जेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पैंग्राम है ये 32 लेटर से बना हुआ है, कुल मिला के 32 लेटर्स हैं इसमें, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट के 26 के 26 लेटर कहीं न कहीं एक न एक बार प्रयोग जरूर हुआ है। वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये एक बहुत ही फेमस पैंग्राम है जो आमतौर पर हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है जो इंग्लिश के जानकार होते हैं, जिनको पैंग्राम बताना होता है या बच्चों को सिखाना होता है, वो इस एग्जाम्पल के बारे में जरूर बताते हैं। इसमें आपने देखा कि इसमें 35 लेटर्स हैं, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट के सभी 26 लेटर्स एक न एक बार प्रयोग में जरूर लाए गए। अब आप सोच रहे होंगे इसका इस्तेमाल क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेन कंट्रीज में जैसे कि US जैसे देशों में जब कभी भी कोई बिजनेस मार्केट या ऑफिस खुलते हैं तो ऑफिस के कर्मचारी या फिर एम्प्लॉय अपने कंप्यूटर कीबोर्ड्स के सारे बटन्स को चेक करने के लिए, कीज को चेक करने के लिए कि सारे के सारे कीज प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए वो इस पैंग्राम को टाइप करके देखते हैं। इससे उनको पता चल जाता है कि सारे के सारे कीज एक साथ सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसकी क्या जरूरत है, ए से लेकर के जेड तक के कीज को दबाकर भी देख सकते हैं, इससे भी हमें पता चल जाएगा कि कीबोर्ड सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर्स के जो कीबोर्ड होते हैं वो क्वार्टी कीपैड होते हैं, जिसमें ए से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर्स होते हैं वो एक क्रम में नहीं होते, बल्कि यहाँ वहाँ इधर उधर किसी अन्यत्र जगहों पे फैले होते हैं, तो उनको ढूंढ के टाइप कर पाना पॉसिबल नहीं या इतना आसान नहीं। इसलिए एक पैंग्राम टाइप करने के बाद
इजीली पता लगाया जा सकता है कि सारे के सारे कीज काम कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। आज का वीडियो कैसे लगा ये आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।